कामरान की काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि मेरे को अवेयरनेस प्रोग्राम रखूँ, तो आज CDPO सर ने यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से हमने शुरुआत की है। ऐसे और कैंप्स इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी, जल्द से जल्द मैं अपने ब्लॉक में लगवाऊँगी सारे डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड। तो आज यहाँ पे हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स भी मौजूद हैं, सुपरवाइजर मौजूद हैं, हमारे सारे डिपार्टमेंट्स की जो HODs हैं वो भी आए हुए हैं। तो हम सारी स्कीम्स जो हैं वो उनके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे जी। तो इसीलिए हम ये मेरा इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं कैंप लगाऊंगी, और इसीलिए हमने ये कैंप लगाया, और आगे भी कोशिश रहेगी सिर्फ कैंप से नहीं, अगर हमारे जो हमारे सरपंचेस होते हैं पंचायत लेवल पे भी हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैं आज इनको बता के जाऊँगी। मेरा इनसे ये रिक्वेस्ट रहेगा सबसे कि जहाँ तक भी आप लोगों को अवेयर कर सकें ज़रूर करें। कोरोना तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ हम लोगों का वहम है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना क्राइसिस वैसे ही चल रहे हैं। थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़रूर मिला था, वो हम थक जाते हैं जब मास्क पहन के, हमें लगता है भाई कोरोना चला गया, कोरोना बिल्कुल वैसे ही है। अब जैसे कि हम सबको पता है कि थर्ड लेयर के आने का, सबको पता है कि थर्ड लेयर आ जाएगी, तो इसलिए हमें वैसे ही जैसे पहले हम अपने SOPs को फॉलो करते थे, मास्क तो बिल्कुल भी सैनिटाइजर वैसे यूज़ करते रहे हैं बिल्कुल वैसे। वैक्सीन का कहूँगी कि वैक्सीन ज़रूर करवाएं। देखिए पिछली बार भी जब सेकेंड लेयर आई तो जिन लोगों ने वैक्सीन करवाई हुई थी वो कम इफेक्टेड थे, इसलिए वैक्सीन ज़रूर लें, वैक्सीन हमारे बिल्कुल सेफ है, वैक्सीन लें तो इंशाल्लाह हम इस बीमारी से बचेंगे। नवरीन आजम राजा वर्किंग एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अंडर महिला शक्ति केंद्र। यहाँ ICDS की जानिब से प्रोग्राम रखा गया जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ब्रेस्ट फीडिंग और भी जानकारियाँ जो है वो यहाँ दी जा रही हैं। यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर्स सुपरवाइजर्स और लोकल प्रेजेंट हैं, उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि सोसाइटी में ये मैसेज जाके स्प्रेड करें कि बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ताकि कल बीमारियों से बच्चे बच सकें। हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, ये एक हमारे अथॉरिटी से भी डायरेक्शन है, हमारे DTC साहब की तरफ से, हमारे यहाँ जो मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, उनके भी एक थी कि हमारे ब्लॉक में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें सभी डिपार्टमेंट को लाकर जो डिफरेंट स्कीम्स डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं उनकी अवेयरनेस की जाए। इसी सिलसिले में कुछ डिपार्टमेंट जो मुझे डिस्ट्रिक्ट का एक नोडल ऑफिसर बनाया था, उन डिपार्टमेंट्स को मैंने यहाँ बनाया, और यहाँ पे जो हमारे किसानों की जो पंचायत कैटर करती थी इनको हमने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हमारे आगे जैसा हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हमारा ICDS डिपार्टमेंट और दूसरे अलाइड डिपार्टमेंट हैं उनकी हमने जो भी डिफरेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं उनके बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमने साथ साथ में हमें जो वुमेन एम्पावरमेंट्स था हमारा एक सोशल वेलफेयर ICDS में इस वक्त चल भी रहा है इस वक्त प्रोग्राम, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है, और हमारा आज का ये जो महीना हम ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग पे एक जनरल अवेयरनेस देनी थी तो वो भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। प्रोग्राम हम जो दूसरे ब्लॉक हैं हमारे रूरल डेवलपमेंट के ICDS रूरल डेवलपमेंट के ब्लॉक हैं उन्हें भी ऐसे प्रोग्राम फ्यूचर में करेंगे।